हमारे समाज में कुछ रिवाज ऐसे भी हैं जिन्हें अंधविश्वास की नज़र से देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगना, दही के साथ चीनी खाकर घर से बाहर निकलना, एक्सेट्रा। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे एंसिस्टर्स यानी कि पूर्वजों द्वारा बनाए गए इन सभी रिवाजों के पीछे साइंस काम करता है। जी हाँ, हर अंधविश्वास के पीछे छुपा है एक साइंटिफिक लॉजिक। देन लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 7, क्रश हेड आफ्टर किलिंग अ स्नेक, सांप को मारने के बाद सिर कुचलना। कहा जाता है कि सांप यानी कि स्नेक को मारने वाले की पिक्चर उसकी आंखों में छप जाती है। लेकिन इस अंधविश्वास के पीछे साइंटिफिक लॉजिक यह है कि सांप के मरने के बाद भी उसका जो जहर होता है ना, यानी कि पॉइजन, उसके मरने के बाद भी उसमें इतना पावर होता है कि वह लोगों को मार सके, इसलिए उसके सिर को कुचल कर दबा दिया जाता है। नंबर 6, डू नॉट कम आउट एट द टाइम ऑफ द एक्लिप्स, ग्रहण के समय बाहर ना आना। हमारे मम्मी पापा हमें ग्रहण यानी कि एक्लिप्स के समय बाहर जाने नहीं देते हैं। उनके मुताबिक इस वक्त यानी कि ग्रहण के समय एविल्स फोर्सेस डोमिनेट यानी कि बुरी ताकतें हावी हो जाती हैं। जबकि इसके पीछे का असली लॉजिक यह है कि ग्रहण एक्लिप्स के वक्त रेज ऑफ द सन यानी कि सूर्य की किरणों से स्किन डिजीज हो सकता है, साथ ही नेकेड आईज से उसे देखने से लोग अंधे भी हो सकते हैं। नंबर 5, डू नॉट वॉश हेयर ऑन ट्यूजडे एंड थर्सडे, मंगलवार और गुरुवार को बाल न धोना। आपने देखा होगा अक्सर महिलाएं मंगलवार और गुरुवार यानी कि ट्यूजडे और थर्सडे को बाल नहीं धोती हैं। इसके पीछे का अंधविश्वास यह है कि उन्हें लगता है कि इस दिन बाल धोने से बुरे वक्त की शुरुआत होती है। जबकि साइंस ये कहता है कि पुराने वक्त में लोग अपने घरों में पानी स्टोर करके रखते थे, बाल धोने में पानी ज्यादा इस्तेमाल होता था, तो इन दो दिन पानी बचाने के लिए बाल नहीं धोते थे। नंबर 4, बैन ऑन प्रेग्नेंट वुमेन गोइंग आउट, गर्भवती महिला के बाहर जाने पर पाबंदी। बुरी आत्मा का साया माँ और होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। ऐसा करने के पीछे लॉजिक यह है कि पहले के वक्त में आने जाने के व्हीकल्स की कमी थी और गर्भवती महिला को पैदल चलने की समस्या होती थी। नंबर 3, नो नेल बाइटिंग एट नाइट, रात में नाखून नहीं काटना। लोगों को रात में नाखून ना काटने को लेकर अंधविश्वास है कि रात में ऐसा करने से किस्मत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जबकि इसके पीछे का लॉजिक यह है कि पुराने वक्त में बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने के कारण रात में नाखून नहीं काटे जाते थे। उस वक्त नाखून काटने के लिए भी टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था, इससे अंधेरे में उंगलियों के कटने का भी डर होता था। नंबर 2, डू नॉट गेट आउट ऑफ द हाउस बिफोर ईटिंग कर्ड, दही खाकर घर से बाहर निकलना। किसी भी शुभ काम पर जाने से पहले घर से दही खाकर निकलना शुभ माना जाता है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक यह है कि गर्म मौसम के कारण दही खाने से पेट ठंडा रहता है, साथ ही दही में चीनी मिलाकर खाने से शरीर में ग्लूकोज की लेवल सही बनी रहती है। नंबर 1 जानने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हर दो दिन में लाते रहते हैं आपके लिए। नंबर 1, हैंगिंग लेमन चिली ऑन द डोर, दरवाजे पर नींबू मिर्ची टांगना। दरवाजे पर नींबू मिर्ची टांगने के पीछे लोगों का अंधविश्वास यह है कि ऐसा करने से बुरी ताकतों का साया दूर रहता है। इसके पीछे का असली लॉजिक यह है कि नींबू मिर्ची में मौजूद साइट्रिक एसिड होता है जो कीड़े मकोड़ों को घर में घुसने से रोकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।